हाँ आई, बोल। सचिन, अरे कुठे आहेस तू? कितना वक्त हुआ? थोड़ा लेट होया निकलने में। मैंने अभी हाईवे क्रॉस ही किया है, पाउड रोड पहुंच गया हूँ। आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। घाई नको करू, संभाल के आ। तू टेंशन नको घेऊस, ठेव फोन मी। अच्छा क्या झालं? अरे क्यों परेशान हो रही हो, आ जाएगा वो। सचिन का फोन बंद आ रहा है। अरे बाबा, उसका फोन का बैटरी बंद हो गया होगा इसलिए। दो घंटे पहले फोन किया था, बोला था आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ। मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा है। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। हमारे जीवन का हर दिन जिंदगी की आपाधापी में कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। वक्त की सुई अपनी रफ्तार से आगे तो बढ़ती जाती है, लेकिन अपने पीछे कई बार कुछ ऐसे घाव छोड़ जाती है जो वक्त के साथ और गहरे हो जाते हैं। कहते हैं कि हर किसी को अपने अतीत को भुलाकर आज में जीना चाहिए और अपने कल के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन अगर किसी का अतीत उसके आज में शामिल होकर उसके कल को बर्बाद कर दे तो। हेलो, ओहो, छोकरे को उठा लिया। आपको कितना टाइम लगेगा आने में? सुरेंद्र। सुरेंद्र। राजेंद्र। हाँ सुरेंद्र, कहाँ चला? वो सचिन नांदेड़ गया था एक डिलीवरी के लिए। हाँ हाँ, अभी तक आया नहीं है। तू ये तो काम मुझे बरोबर। हाँ हाँ, शांत रहा। तो मैं एक दो मिनट में आ रहा हूँ। उसको चल के देखते हैं। बस शर्ट पहन के आ रहा हूँ मैं अभी। चलो, कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की, आज दोस्त की याद आ गई। अरे नैना गब्बस, दिमाग खराब होगा तुम्हारा? ये टाइम ऐसे बात करने का? वैसे भी वो लोग टेंशन में। नहीं रे, तो सचिन घर ही चला नहीं, मर गया होगा ना तो अच्छा होगा। तूने मुझे धोखा दिया है, शादी से पहले तो किसी और मर्द के साथ। मैं तेरे साथ नहीं रह सकता, मुझे तलाक चाहिए। सचिन की काफी देर पहले फोन पर अपनी माँ से बात हुई थी। नांदेड़ से वापस लौटते वक्त उसके साथ जो कुछ भी हुआ था, उसके घर वाले उससे बेखबर थे। पर ये विद्या कौन थी? उसका इस कहानी से क्या लेना देना था? राजेंद्र और सुरेंद्र सचिन की तलाश में निकल चुके थे। अरे राजेंद्र, एक मिनट, गाड़ी थामो। सचिन से तो गाड़ी नहीं। राजेंद्र, ये तो सचिन की गाड़ी है। सचिन, सचिन, सचिन। ओ राजेंद्र, हाँ, इकड़े, ये देख। सचिन, अंदर देखो। सचिन, सचिन डिलीवरी देने कहाँ गया था? वो नांदेड़ के पानगिरी गांव में गया था। यार, अब पोस्टला की फोन कर। सचिन को नांदेड़ से एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था और ये ऑर्डर शादी के लिए था। जाते समय सचिन बहुत खुश था साहब। ये पास में मोबाइल मिला है, स्विच ऑफ है। ये तो सचिन का फोन है साहब। हाँ सचिन का फोन है। शिंदे, सचिन के कॉल रिकॉर्ड निकालो और सचिन नांदेड़ में जिस आदमी को ऑर्डर देने गया था उसके बारे में पता लगाओ। हो सकता है यह ऑर्डर सचिन को फंसाने के लिए जानबूझकर दिया गया हो। सर, सचिन के पिता ने बताया कि ऑर्डर काफी बड़ा था। हो सकता है सचिन को इस ऑर्डर के लिए काफी पैसे मिले हों। पता लगाने की कोशिश करो कि जो कुछ भी हुआ उसके पीछे का मोटिव पैसा तो नहीं है। सर, राजेंद्र जी, आपके परिवार की या सचिन की किसी के साथ कोई दुश्मनी या कुछ कहां सुनी? हाँ साहब, वो डिलीवरी के एक दिन पहले सचिन का डिलीवरी बॉय राम और छोटू से झगड़ा हुआ था साहब। सेठ, ये अभी इस डिलीवरी में ज़्यादा पैसा लगेगा। ज़्यादा मतलब? मतलब जितना आपने बोला था उतने में नहीं होगा अभी बस। अरे पहले तो कुछ बोला नहीं यार,
और अब जब कल जाके डिलीवरी करनी है तू ज्यादा पैसे मांग रहा है। रहने दे, मैं खुद डिलीवरी कर लूंगा। अच्छा, हम भी देखते हैं कैसे डिलीवरी करते हो तुम। उस समय तो मुझे ऐसा नहीं लगा था कि साहब सचिन के साथ वो लोग कुछ ऐसा करेंगे, लेकिन अब जब सचिन गायब है तो मुझे लग रहा है कि उन्होंने सचिन के साथ कुछ किया है। कहाँ रहते हैं रामू छोटू? हमने कुछ नहीं किया था। उसके बाद उसकी मंगेतर प्रीति और उसके एक दोस्त संतोष का कॉल आया था। आखिरी कॉल उसकी माँ का आया था। सर, इसके अलावा उसके मोबाइल पे कई बार एक लैंडलाइन से मिस कॉल आया है जिसे उसने सिर्फ एक बार रिसीव किया है। अब हमें यह पता करना होगा कि सचिन की इन सब लोगों से क्या बातचीत हुई थी, शायद कोई क्लू मिले। ये राम और छोटू ने मुंह खोला? जी अभी तक नहीं सर, लेकिन पीएसआई साहब उनसे पूछताछ कर रहे हैं। शिंदे, कहाँ है सचिन? क्या किया उसके साथ? हमको कुछ नहीं पता साहब, साइड कहाँ पे? हमने कुछ नहीं किया साहब। कुछ नहीं किया तो भागे क्यों? क्योंकि एक दिन पहले सेठ से बहस हो गई थी हमारी, हमें लगा कि आप लोग हम पे शक करेंगे, हम डर गए थे साहब। जब तक ये सच ना बोले अच्छे से खातिरदारी करो इनकी। सर, मिठाई की डिलीवरी कब तक मिलेगी ये जानने के लिए मैंने सचिन को कॉल किया था, और कुछ नहीं सर। हाँ सर, मैंने सचिन को कॉल किया था, हम दोनों कॉलेज से दोस्त हैं। उसका मैसेज आया था कि वो नांदेड़ आ रहा है कुछ डिलीवरी के लिए, तो हमने यहाँ मिलने का प्लान किया। हम दोनों काफ़ी समय से मिले भी नहीं थे। बाद में उसको कुछ लेट हुआ तो उसने प्लान कैंसिल किया सर। सर, मैंने तो उसे इसलिए फ़ोन किया था ताकि वो खाना खा ले, काम के आगे खाने का ध्यान नहीं रहता था उसे। सर, मुझे तो लगता है। क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि इन सब के पीछे रूपाली का हाथ हो सकता है। रूपाली? रूपाली सचिन के पापा के दोस्त सुरेंद्र जी की बेटी है, सचिन को पसंद करती है वो। रूपाली की माँ ने तो बवाल ही खड़ा कर दिया था। सचिन ने बताया था मुझे कि रूपाली कोई ना कोई ड्रामा जरूर करेगी, इसलिए हमने सचिन के कमरे में एक कैमरा फिट कर दिया था। सबने देखा उसका वीडियो, सबने थूका रूपाली पे। हेलो सर, राम और छोटू कुछ बताना चाहते हैं। हम लोग राजेश सेठ की बातों में आ गए थे साहब, उन्होंने हमको भड़काया और बोला कि सचिन भाव का धंधा अच्छा चल रहा है और पगार बढ़ाने को बोलो। राजेश सेठ का धंधा अच्छा नहीं चल रहा था साहब, इसलिए वो सचिन सेठ से चलते थे। आराम से। क्या रे ये सचिन, राणे का ऑर्डर पहले मुझे मिला था, तूने मेरे कस्टमर पे हाथ क्यों डाला? मैं क्यों किसी पे हाथ डालूंगा भाई, और राणे सेठ ने मुझे पहले ऑनलाइन ऑर्डर दिया है। तू पूछ ना राणे सेठ को, पूछ कि तेरी घटिया मिठाई के ऑर्डर को छोड़ के उन्होंने मेरी टॉप क्लास मिठाई की ऑर्डर क्यों दी, पूछ उनको। अरे धंधे में आके दो दिन नहीं हुए तुझे और हवा में उड़ने लगा है तू। ऑनलाइन खेलेगा मेरे साथ तू? अभी इंजीनियर है ना तू, वहीं जाके खेलना ये सब, यहाँ मेरा धंधा क्यों चौपट कर रहा है तू? देख राजेश, ये तीखा तेवर ना मिठाई बेचने वाले को सूट नहीं करता। तू भी शुरू करना ऑनलाइन बिजनेस, तुझे किसने रोका है? देख, माला खूब उशीर होता है, बहुत बड़ी ऑर्डर है, मुझे काम करने दे। देखता हूँ मैं अब तुझे। राजेश सेठ ने हमको भड़काया कि हम ज्यादा पैसे की डिमांड करें, हम उनकी बातों में आगे साहब, लेकिन सचिन सेठ ने हमको नौकरी से निकाल दिया साहब, बस इतनी सी बात है साहब। फिलहाल इन दोनों को जाने दो, लेकिन नजर रखना सर। शिंदे, सचिन के कॉल लॉग में जो लैंडलाइन से मिस कॉल्स थे उसके बारे में कुछ पता चला? हाँ सर, वो कॉल्स कैसे पीसीओ से किए गए थे, लेकिन किसने किए वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाया।
लेकिन शिंदे इस केस को क्रैक करने के लिए हमें कोई ना कोई लीड तो चाहिए। राम और छोटू के हिसाब से राजेश सचिन से जलता था, और वहीं दूसरी तरफ राजेश की बहन रूपाली किसी भी तरीके सचिन को हासिल करना चाहती थी। इस हिसाब से इन दोनों भाई बहन के पास मोटिव तो है सचिन को किडनैप करने का, कहीं सारे कांड में इन दोनों का हाथ तो नहीं है? हाँ सर, मैंने सचिन को धमकी जरूर दी थी और हम दोनों में थोड़ी गर्मा गर्मी भी हुई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है सर कि इतनी छोटी सी बात के लिए मैं उसका किडनैप कर लूँ। सर वो बेंगलोर में इंजीनियर था, वहीं जाके नौकरी करता। मुझे तो लगा था इसके पापा भी दुकान बंद करके उसी के पास चले जाएंगे, लेकिन उल्टा वो यहाँ आया और वो ऑनलाइन ऑनलाइन करके पूरे कस्टमर खींच लिए और मेरा धंधा चौपट कर दिया सर। इसीलिए मैंने उसका धंधा चौपट करने के लिए राम और छोटू को उकसाया। लेकिन आई शपथ, खरा सांग तो सर, मैंने उसका किडनैप नहीं किया है। जी सर, मैं सचिन को बहुत पसंद करती थी, पर पता नहीं उसे उस प्रीति में क्या दिखता था जो सचिन ने उससे एंगेजमेंट कर ली, और मैंने सोचा कि शादी से पहले एक आखिरी बार ट्राई कर लूँ, पर सर उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा और उसके बाद से मैंने सचिन से कभी बात भी नहीं की, और मेरा विश्वास कीजिए मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया है। शिंदे, ये जितना सीधा अपने आप को बता रहे हैं उतने है नहीं, हो सकता है ये काम इन्होंने खुद ना किया हो, किसी और से करवाया हो। कड़ी निगरानी रखो इन पर। सर, हमारा सचिन मिल जाएगा ना? राधिका स्वीट्स हमारी बहुत पुरानी दुकान है, मैं और सुरेंद्र दोनों पार्टनर थे और हमारी दुकान बहुत अच्छी चल रही थी सर। सब कुछ अच्छा चल रहा था सर, लेकिन सुरेंद्र की बीवी नैना के भड़काने के बाद सुरेंद्र ने अपना हिस्सा अलग कर लिया और हमारी दुकान के पास एक नई दुकान खोली न्यू राधिका स्वीट्स के नाम से, लेकिन उनकी दुकान चली नहीं। इसके बाद सुरेंद्र की बीवी हमसे जलने लगी और उसने अपने लड़के को मेरे लड़के के खिलाफ भड़काया और वो उसका दुश्मन बन गया, और उसके बाद भी बात नहीं बनी तो अपनी बेटी को मेरे लड़के को फंसाने के लिए लगाया। अगर उन दोनों की शादी हो जाती तो दोनों दुकानें फिर से एक हो जाती और फायदा उन्हीं का था। देखा, तुम्हारा खास दोस्त है ना वो, क्या सोचते हमारे बारे में? देखा, एक तो मेरी बेटी को बदनाम कर दिया, धंधा भी छुड़ा दिया, और अब क्या जीने भी नहीं देंगे क्या हमें? कीड़े पड़ेंगे उन्हें। नैना काय है? क्या नैना, नैना जाओ जाके पूछो तुम्हारे दोस्त से क्यों हमें बदनाम कर रहा है। साहब खरा सांगते ना, बहुत पैसे वाले लोग हैं और इकलौता बेटा साहब, हो सकता है ना पैसे के लिए किसी ने उसको उठाया होगा, फिर हम पे क्यों इल्जाम लगा रहे? सर अभी तक रैंसम का कोई भी कॉल नहीं आया। शिंदे, हो सकता है ये किडनैपिंग पैसों के लिए नहीं बल्कि किसी पर्सनल रीजन की वजह से की गई हो। सर क्या इसके पीछे सुरेंद्र की बीवी हो सकती है? क्योंकि जलन में इंसान कुछ भी कर सकता है, और हो सकता है कि इसमें उसके बेटे बेटी भी शामिल हो। इन पर 24 घंटे नजर रखो, इनकी मूवमेंट से हमें बहुत कुछ पता चल सकता है। सर आता मैं सोडत नहीं बक। श्रद्धा, ए श्रद्धा, अरे क्या चाहते क्या हो तुम लोग? हाँ क्या चाहते हो तुम? इतना कुछ किया फिर भी तुम लोगों का मन नहीं भरा, पुलिस में जाके कंप्लेंट कर दिया हम लोगों की। आप लोगों को कैसे पता चला तुम्हारे बेटे को हमने उठाया है? हाँ अरे कितने झूठे इल्जाम लगाओगे हम पर, कितने लगाओगे? अगर मैंने बद्दुआ दी ना तो जिंदगी भर अपने बेटे का मुंह नहीं देख पाओगे। नैना एक काय बड़े बने लावलस, चल ना बाबा घर ही चल ना। मुझे कोई शौक नहीं आ रहने का, इनकी मरूद सूरत देखने का कोई शौक नहीं मुझे। मेरी वजह से? क्यों, आप ही ने मुझे वो आइडिया दिया था ना बकवास सा सचिन के कमरे में जाने का। मतलब नैना तुम? हाँ मैंने ही दिया, तो क्या करती, हाथ पे हाथ धरे बैठी रहती? और मैंने कोई गलत काम नहीं किया, अगर रूपाली की शादी सचिन से हो जाती ना तो फायदा हमारा ही होता। नैना अगर दोबारा मेरे पे हाथ उठाया ना तो हाथ काट दूंगी। आई एम सॉरी विद्या जी, मैं आपको एलिमनी नहीं दिला पाया।
केस पूरी तरह से उनके फेवर में था। सर, ये डिटेक्टिव गोविंद, सचिन के केस के बारे में इन्होंने पेपर में पढ़ा था, उसी के सिलसिले में कुछ बताना चाहते हैं। बैठिए। सर, सचिन ने मुझे हायर किया था। हायर किया था? किस काम के लिए? उसे प्रीति के कैरेक्टर पे डाउट था। वो ये जानना चाहता था कि प्रीति का किसी से अफेयर है या नहीं। उसने मुझसे कहा कि मैं प्रीति पे नजर रखूं। फिर उसने मुझे नीलेश की फोटो भी दी और उन दोनों पे नजर रखने के लिए कहा। सर, जब मैंने नीलेश और प्रीति पे नजर रखना शुरू किया तो मैंने ये पाया कि उनके बीच ऐसा कुछ नहीं, वो सिर्फ दोस्त है। ये बात मैंने सचिन को भी बताई, लेकिन पता नहीं क्यों ये मानने के लिए तैयार ही नहीं था। फिर उसने मुझे प्रीति की पास्ट की डिटेल्स निकालने को कहा। पास्ट में प्रीति के कई सारे बॉयफ्रेंड्स रह चुके थे। प्रीति के पास्ट में जितने भी बॉयफ्रेंड्स है, उनमें से कोई ऐसा भी है जिसके साथ प्रीति का? सर, मुझे तो ऐसे कुछ सबूत नहीं मिले। मुझे प्रीति के बारे में जो भी डिटेल्स मिली, मैंने वो सारी सचिन को दे दी। ये सब प्रीति के बॉयफ्रेंड्स है? नहीं थे। अब प्रीति इनमें से किसी के टच में नहीं। लेकिन बॉयफ्रेंड तो थे ना? सर, प्रीति के एक्स बॉयफ्रेंड्स के फोटोज देखने के बाद सचिन काफी गुस्सा हुआ था। उसने मेरे सामने ही प्रीति से एंगेजमेंट तोड़ने की बात तक कह दी थी। उसे लेकर प्रीति का भाई उत्कर्ष सचिन से काफी नाराज हुआ था। सर, सचिन ने मुझसे कहा कि मैं एंगेजमेंट तोड़ दूं, वरना वो सबको मेरा पास बता देगा। सर, ये एक अरेंज मैरिज थी। उसको मैंने कहा कि ये प्रीति के जो भी रिलेशनशिप्स थे वो एंगेजमेंट के पहले के थे, और हर एक इंसान का एक पास्ट होता है। मैंने उसे समझाया कि उसका भी कोई पास्ट होगा। अच्छा, तो कहीं इसी वजह से तुम दोनों ने उसके साथ कुछ? नहीं सर, हम लोगों ने कुछ नहीं किया। हम लोग इज्जतदार घर के लोग हैं। हम तो यही सोच रहे थे कि इसके बारे में घर में बात करने से पहले हम सचिन से एक बार और बात करते हैं, लेकिन इसी बीच हमें सचिन के गायब होने की खबर आ गई। तो तुमने उस दिन झूठ क्यों बोला था? समय डर गई थी, क्योंकि हमारे बीच जो हुआ वो हमारे परिवार वालों को नहीं पता था। मैंने तो उसे इसलिए कॉल किया था ताकि वो एंगेजमेंट ना तोड़े, लेकिन उसने मेरी सुनी नहीं। मैं अपने परिवार को क्या जवाब देती सर? शिंदे, एक बात नोटिस करने वाली है, सचिन के इतने सारे दुश्मन हैं और सबके पास अपना अपना एक मोटिव है सचिन को किडनैप करने का। हाँ सर, लेकिन राम और छोटू पर नजर बनाए रख लिया। वो लोग अभी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहे हैं और उनके अकाउंट में सिर्फ 30,000 रुपये जो उनकी सेविंग है। और ये रूपाली, वो भी बदनामी के बाद मोहल्ले में कम निकलती है, तो सचिन के गायब होने में इसका हाथ भी नहीं लग रहा। और राजेश पर नजर बनाए रखने के लिए हमने अपना एक कांस्टेबल तैनात किया है, लेकिन अभी इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला सर। अब बचे प्रीति और उत्कर्ष। इन दोनों का मोटिव भी स्ट्रांग है, क्योंकि सचिन ने प्रीति के साथ अपनी एंगेजमेंट को तोड़कर शादी को बीच में लटका दिया था। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्होंने बदनामी से बचने के लिए सचिन को गायब किया हो? फिलहाल हमारे प्राइम सस्पेक्ट ये दोनों ही हैं। इन दोनों पर भी नजर रखो। सर, प्रीति के कॉल रिकॉर्ड से नीलेश का नंबर मिल गया है। नंबर बेंगलोर का है। बेंगलोर? जी सर। ये सचिन भी पहले बेंगलोर में जॉब करता था ना, कहीं नीलेश सचिन और प्रीति के तार बेंगलोर से तो नहीं जुड़े हैं? सचिन को आखिर क्यों किसी ने इस तरह से बंदी बनाकर रखा था, और जो लड़की उसके साथ कमरे में बंद थी आखिर वो कौन थी? इस केस में पुलिस को अब तक ये समझ में नहीं आ रहा था कि सचिन की किडनैपिंग कौन कर सकता है और क्यों। और उसी दौरान बैंगलोर में सचिन के पुराने दफ्तर से पुलिस को कुछ ऐसी बातें पता चली जिससे उनका नजरिया ही बदल गया। सर, सचिन हमारे ही ऑफिस में काम करता था। तो सचिन ने यहां से जॉब छोड़ी क्यों? छोड़ी नहीं सर, हमें उसे निकालना पड़ा। निकालना पड़ा? क्यों? सर, एक्चुअली सचिन का हमारे ऑफिस में काम करने वाली फीमेल स्टाफ के प्रति बर्ताव ठीक नहीं था। सर, हमारे ऑफिस में काम करने वाली फीमेल स्टाफ ने उसके अगेंस्ट में कंप्लेंट की थी। जब हमने इंटरनल इंक्वायरी की तो हमें पता लगा कि ये बात सही है, इसीलिए हमें सचिन को निकालना पड़ा। असल हंगामा तो तब शुरू हुआ जब सचिन ने हमारे ही ऑफिस में काम करने वाले एक मेल एम्प्लॉय की वाइफ के साथ अफेयर किया, और वो दोनों हस्बैंड वाइफ हमारे ही ऑफिस में काम करते थे। सचिन! नीलेश? यस सर। नीलेश की पत्नी के साथ सचिन का अफेयर था? यस सर। आपके पास नीलेश की फोटो तो होगी? यस सर। जस्ट अ मिनट सर। शिंदे, वो फोटो देना जो उस डिटेक्टिव ने दी थी। सर सर
नीलेश। सचिन के बारे में कुछ ऐसे खुलासे हुए थे जिसके बारे में उसे जानने वाले सोच भी नहीं सकते थे। जहां सचिन को कैद करके रखा गया था वो वहां से निकलने की भरपूर कोशिश कर रहा था, और जो लड़की उसके साथ कैद में थी क्या वो सचिन को जानती थी? क्या सचिन की इस किडनैपिंग के पीछे कुछ ऐसे राज छिपे थे जिनका खुलना अभी बाकी था? हाँ सर, ये कॉल्स मैंने किए थे, और इसलिए क्योंकि सचिन ने काम ही ऐसा किया था। अपने घर वालों के सामने तो एकदम महात्मा बनकर रहता है, लेकिन असल में बहुत नीच और घटिया आदमी। सर मैंने उसे अपना दोस्त समझा था, लेकिन उसने मेरी बीवी के साथ ही अफेयर कर लिया, जिसके बाद मेरा डिवोर्स हो गया। लेकिन तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि तुम सचिन को इतने कॉल्स क्यों करते थे। तसल्ली मिलती थी सर, जब जब मुझे ये बात याद आती थी कि उसकी वजह से मेरा डिवोर्स हुआ है, तब तब मैं उसे फ़ोन करके गाली देता था, और जब उसने मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया तो मैं दूसरे नंबर से उसे कॉल करने लगा। अच्छा लगता था, दो मिनट के लिए सही, लेकिन उसे कॉल करके गाली देने में तसल्ली मिलती थी सर। और प्रीति, प्रीति से क्यों मिलते थे? सर प्रीति तो बस एक मोहरा थी, मुझे सोशल मीडिया के जरिए पता चला कि वो प्रीति से शादी करने वाला है। मैंने प्रीति का पीछा करना शुरू किया और जल्द ही वो मेरी अच्छी दोस्त बन गई। फिर मैंने अपनी और प्रीति की मीटिंग की फ़ोटो सचिन को भेजी, लेकिन सर मैंने प्रीति के साथ कुछ गलत नहीं किया, और ना ही वो मेरे प्लान के बारे में जानती थी। मैं तो उसे सिर्फ एक मोहरे की तरह यूज़ कर रहा था ताकि मैं सचिन को दुख पहुँचा सकूँ, उसे तकलीफ दे सकूँ। सर सर मैंने नीलेश का पूरा कॉल रिकॉर्ड क्रॉस चेक किया, कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से तो वो क्लीन है, और बेंगलोर पुलिस को भी मैंने नीलेश पर नज़र रखने के लिए बोल दिया। शिंदे, इस सचिन का कैरेक्टर बड़ा अजीब निकला, एक ही वक्त पे दोहरी जिंदगी जी रहा था। एक तरफ तो अपनी मंगेतर प्रीति पे शक कर रहा था, और दूसरी तरफ अपने बहुत सारे अफेयर चला के बैठा था। जिस आदमी का अपनी दोस्त की बीवी के साथ चक्कर हो सकता है, सोचो उसने अपने पास्ट में क्या क्या गुल खिलाए होंगे। हो सकता है सचिन की किडनैपिंग का कनेक्शन उसके पास से हो। मुझे लगता है हमें सचिन के पास को अच्छे से खंगालना चाहिए, और इसकी शुरुआत उसके कॉलेज से करते हैं। सचिन के कॉलेज से पुलिस को कई चौंका देने वाली बातें पता चली, जो शायद सचिन के आज को बर्बाद कर रही थी। कॉलेज में सचिन के कई लड़कियों के साथ अफेयर थे, और वहीं पुलिस को संध्या के बारे में पता चला, जिसके साथ सचिन ने तो कॉलेज में मजाक मस्ती में अफेयर किया था, लेकिन यही अफेयर संध्या की जिंदगी में तबाही बनकर आया था। संध्या सचिन को लेकर काफी सीरियस थी। पुलिस ने संध्या के बारे में पूछताछ की तो उन्हें पता चला कि संध्या के पिता फूल बेचने का काम करते थे। सर दुकान लॉक्ड है। ये भूल वाला आज आया नहीं? आज क्या साहब, ये तो कई महीनों से नहीं आया है। क्यों, कहाँ गया? साहब जाने से पहले बोल के गए थे कि नांदेड़ जा रहा है। नांदेड़? हाँ साहब। नांदेड़ में कहाँ? नांदेड़ में साहब ये तो नहीं मालूम मुझे। शिंदे, सचिन भी मिठाई की डिलीवरी लेके नांदेड़ ही गया था ना? हाँ सर। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, जरूर इसके पीछे कोई गहरी साजिश है। सर ये दुकान का ताला तोड़ के चेक करें। अच्छे से चेक करो जल्दी। सर सर ये देखिए, ये फोटो सभी पुलिस स्टेशन में भेजो। मुझे लगता है सचिन को गायब करने में इन दोनों का ही हाथ है। सर हमें नांदेड़ चलना होगा फौरन। कदम साहब आसपास पता करवाइए, शायद किसी ने कुछ देखा हो जी, और इसकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भिजवाइए जी। कदम साहब हमें इन दोनों की तलाश है, हमारी इंफॉर्मेशन के हिसाब से ये दोनों नांदेड़ में रहते हैं। इस आदमी को तो मैं जानता हूं। मैं जो कर रहा हूं तुम्हारे लिए कर रहा हूं। सचिन से क्या दुश्मनी थी तुम्हारी, उसे किडनैप क्यों किया? नफरत करता हूं मैं उस लड़के के नाम से, हैवान था वो, जिंदगी खराब कर दी उसने मेरी बेटी की, उसके चक्कर में मेरी बेटी पागल हो गई साहब। मैं रोज अपनी दुकान से उस सचिन को देखता था, हर हफ्ते किसी नई लड़की के साथ घूमता था, और मेरी दुकान से फूल खरीद के उन लड़कियों को देता था। इस बीच पता नहीं साहब कब उसने मेरी बेटी संध्या को अपना शिकार बना दिया।
काका, आप यहाँ फूल बेच रहे हो, वो आपकी इज्जत पे माला चढ़ा रहा है। क्या हुआ? जब हमें पता चला, हमने सचिन को धमकी दी, उसको मारा पीटा भी। सचिन तो संध्या से दूर हो गया, लेकिन संध्या उससे अलग होने के गम में डूबती चली गई। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। सचिन ने तो हमारी बेटी से मजाक मस्ती में ये रिश्ता रखा था, लेकिन मेरी बेटी इस रिश्ते को अपना सब कुछ मान चुकी थी। हमने सचिन के पिता से बात की, लेकिन उसने हमारा यकीन नहीं किया। फिर सचिन ने हमें धमकी भरा फोन किया कि अगर हमने ये बातें किसी और को बोल दी तो वो अपनी और संध्या की सारी उल्टी सीधी फोटो सबको दिखा देगा। इसलिए हम चुप हो गए, लेकिन शायद भगवान को हमारी मजबूरी दिखी और वक्त की सुई वापस घूम कर अपनी जगह पहुंची। लेकिन अब वक्त हमारा था। सचिन मिठाई की डिलीवरी लेके आया, लेकिन तब मेरे भतीजे प्रसाद ने सुना कि वो शादी करने जा रहा है। भाजा मैं सचिन, मुझे पता चला कि तुम्हारी भी शादी हो रही है अभी, हाँ सगाई पक्की हो रही। इसलिए मेरे तीनों भतीजों ने उसे किडनैप किया। कौन हो तुम? क्यों मार रहे हो मुझे? कौन हो तुम? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। हमने उसे नहीं मारा साहब, हम तो ये चाहते थे कि वो हमारी बेटी से शादी करे, शायद हमारी बेटी ठीक हो जाती। इससे पहले कि हम सचिन की शादी संध्या से करते, ले चल जल्दी पहन ले। क्यों? क्योंकि तेरी शादी है मेरी बहन के साथ, समझे? नहीं करूंगा मैं तुझसे शादी, इससे अच्छे कि मैं पूछ जान लूंगा। तुम जाओ यहाँ से। जाओ तो तुम जाओ। लेकिन जब उन लोगों को पता चलेगा कि तूने मुझे भगाया है तो वो लोग मुझे मार देंगे और क्या? उसके बाद वो कहाँ गया मुझे नहीं पता साहब, लेकिन हमने उसे नहीं मारा साहब। आखिरकार इस बात का खुलासा हुआ कि सचिन के अतीत का वो कौन सा राज था जो उसके आज पर भारी पड़ रहा था। लेकिन अगर संध्या के पिता की माने तो उन्होंने सचिन का खून नहीं किया था। पुलिस के सामने अब बड़ा सवाल ये था कि आखिर सचिन को किसने मारा और क्यों मारा। अखबार में इस हत्या के बारे में पढ़कर पुलिस के सामने एक ऐसा शख्स आया जिसने इस केस की दिशा ही बदल दी है। सर, सचिन की फोटो न्यूज़पेपर में देखते ही सीधे हमारे पास आए। दरअसल जिस दिन सचिन की डेथ हुई थी, डेथ से कुछ देर पहले सचिन ने इनके मोबाइल से एक फोन किया था। किसे फोन किया था? सर वो तो मुझे पता नहीं साहब, वो भागता हुआ मेरे पास आया, मुझसे मेरा फोन मांगने लगा। मुझे एक फोन करना है आपके मोबाइल से। शक्ल से काफी परेशान लग रहा था और उसे चोट भी लगी थी, मुझे उस पे दया आ गया और मैंने अपना फोन उसे दे दिया। थैंक यू। शिंदे फौरन पता करो इनके फोन से सचिन ने किसे फोन किया था। सर ये फोन दीजिए। जी सर। पुलिस, संतोष कहाँ है? वो तो यहाँ नहीं है सर। लेकिन हुआ क्या है सर? हमें एक मर्डर के सिलसिले में उससे बात करनी है। सर अंदर नहीं है वो। शिंदे रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, ऑटो स्टैंड, हर जगह ढूंढो उसे, क्विक। सर लेकिन बताइए ना किसका मर्डर हुआ है? सचिन पाटेकर। मैंने मारा सचिन को। क्यों मारा? सचिन मेरे भाई संतोष का दोस्त था, वो अक्सर भाई के साथ घर आता था। मुझे सचिन अच्छा लगता था और धीरे धीरे मुझे उससे प्यार हो गया। हालांकि मैं जानती थी कि उसका बहुत लड़कियों के साथ अफेयर है और उसने मुझे प्रॉमिस किया कि वो मेरे बाद किसी और लड़की के पास नहीं जाएगा। उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई। ये बात मैंने सचिन को बताई तो मुझे लगा वो मुझसे शादी कर लेगा, लेकिन वो तो मुझे छोड़ के चला गया। मैं बहुत डर गई थी सर, इसलिए मैंने
मैंने चुपचाप अबॉर्शन करा लिया। ये बात मेरे अलावा कोई नहीं जानता था। और फिर मेरी शादी हो गई। मेरे पति और सचिन एक ही कंपनी में काम करते थे। दोनों में अच्छी दोस्ती थी और सचिन को तो आदत थी अपने पुराने अफेयर्स के बारे में अपने दोस्तों के सामने डींगे हाँकने की। सचिन ने बिना जाने मेरे पति को मेरी प्रेगनेंसी की बात बता दी, जिससे नाराज़ होकर मेरे पति ने मुझसे डिवोर्स ले लिया। और ये बात मैंने अपने भाई को बता दी। दिमाग खराब हो गया था मेरा जब मुझे ये पता चला। मैं उसे उसी दिन मार देना चाहता था जब वो नांदेड़ आया था। बाद में मुझे पता चला कि वो किडनैप हो गया है। और एक दिन एक अननोन नंबर से उसने मुझे फ़ोन किया। हेलो हेलो संतोष, मैं सचिन बात कर रहा हूँ। यार मैं आता नांदेड़ में, बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ यार मैं। मुझे किस लोगों ने किडनैप किया था, मैं पुलिस के पास नहीं जा सका क्योंकि सचिन फ़ोन पर अपनी जान की भीख मांग रहा था। मैं तो इसी इंतज़ार में था कि कब उस कुत्ते को तड़पा तड़पा के मारूं, अपनी बहन की अपने परिवार की इज्जत का बदला लूं। थैंक्स यार तू आ गया, ये जगह सेफ थी, चल निकलते यहाँ से। वो लड़की को भी पहुंचा। आपने कई बार ये सुना होगा, जैसी करनी वैसी भरनी। आज का ये केस इस कहावत को सच साबित करता है। आज सचिन तो जिंदा नहीं है, लेकिन उसकी वजह से न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद हो गई। भले ही सचिन का खून संतोष ने किया हो, पर राजेंद्र, संध्या, विद्या और शारदा, इन सब के विश्वास का खून सचिन ने कई बार किया था। सचिन के एक मजाक ने संध्या की जिंदगी बर्बाद कर दी। वो आज भी पूरी तरह से दिमागी तौर पर ठीक नहीं हो पाई है। जरूरत है कि हम अपने नजरिए को बदलें और रिश्तों की कदर करना सीखें। जिस दिन हमारा नजरिया बदलेगा, उस दिन हमारा देश बदलेगा। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।